हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको वाइंडिंग करके बताने वाले हैं जीईसी कंपनी की 960 मोटर, और इसका हमने डिटो निकाल लिया। तो यहाँ पर हमने लिख दिया जीईसी कंपनी की 2 HP 960 RPM और 6 पिच में इसका पिच हो जाएगा साइज। और टंस की बात करें तो 65 टंस, और वायर की बात करें तो 21.5 का सिंगल वायर, और यहाँ पर स्टार कनेक्शन है। और इसका स्टेटस साइज नाप लेते हैं, और इसका डाया स्टेटस साइज वगैरह आपको हर एक आपको इसके डिटो में आपको मेंशन कर देंगे, जिससे आपको ये डिटो भी काम आ सकता है। तो इसका स्टेटस साइज होगी हमारे 11.5 सेंटीमीटर। अब हम इसका डाया नाप लेते हैं। तो डाया नापने के लिए हम ऐसा कैंची की सहायता से नाप लेते हैं, और इसको हम स्केल पे इस प्रकार से रख लेंगे। तो ये लगभग आया हमारा 10.5 सेंटीमीटर। तो हमारे स्टेटस साइज को हम यहाँ पर लिख लेते हैं 10.5 सेंटीमीटर। अब इसकी कोइल साइज नाप लेते हैं। तो कोइल साइज नापने के लिए हम क्या करेंगे, एक कॉपर वायर का टुकड़ा लेंगे, और इसको 1 से 6 पिच में ऐसे डाल के एडजस्ट करके आपको इसमें सेट कर लेना है। और ध्यान दे दोस्तों, आपको इसमें ना तो बड़ा रखना है ना छोटा रखना है। अगर ज़्यादा बड़ा कर दोगे तो आपके फिर वायर ज़्यादा लगेगा, और अगर ज़्यादा छोटा कर दोगे तो फिर आपके रिवाइंड करने में दिक्कत आएगी। तो इसको हम एक बार स्केल पर सहायता से नाप लेते हैं वायर को। तो ये लगभग आया हमारे 42.5 सेंटीमीटर। तो 42.5 सेंटीमीटर इसका हम कोयल साइज लिख लेते हैं। और अब इसके हम फर्मे सेट करके कोयल बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक सिंगल टेयर रख लिया, और हमने यहाँ पर फर्मा सेट कर लिया है, और इस फर्मे के हिसाब से अब हम कोयले बनाएंगे। तो हम सिंगल वायर को इसको 6.5 बार घुमा देंगे, जिससे हमारे 65 टन्स हो जाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, और अब ये आधा घुमा दें हमने, तो इसमें हो गए हमारे 65 टन्स। तो ये हमने आपको कई वीडियो में बताया गया है, बताया मैंने कि इसको एक बार घुमाएंगे तो हमारे 10 टन्स आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम इसी प्रकार से अब हम सारे सेट बना लेंगे। तो टोटल हमें इसमें 18 सेट बनाने हैं, और 6 पिच में। तो अब आपको इसमें डालने का तरीका बताते थे। तो चलिए मोटर में, तो आपको कोई सा भी एक अच्छा सा स्लॉट देख के कोयल को ऐसे इंस्टॉल कर लेना, और ध्यान दे आपको आप दोस्तों आपको अच्छा सा स्लॉट देख कर ही डालें, ताकि आपकी जब लोक उठाएंगे तो आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अच्छा सा स्लॉट देख के हमने यहाँ पर डाल लेते, और इस पर हम पीवीसी का एक टुकड़ा लगा लेते, यानी रिप लगा लेते ऊपर से पैक करने के लिए। अब हम बीच में से 4 स्लॉट खाली छोड़ेंगे, और 5वें स्लॉट में हम दूसरा वाला सिला भी डाल देंगे, और इनको भी हम रिप लगा लेते हैं। और अब अच्छी तरह से सेट करके कोयल को बिठा लेते नीचे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक सेट डाल के कंप्लीट कर लिया है, और इसको पीवीसी हथौड़ी की सहायता से अच्छी तरह से ठोक लेंगे। अब आपको यहाँ से 1 स्लॉट खाली छोड़ देना है, और फिर आपको आगे से 2वें स्लॉट में हमें कोयल डाल लेनी है इस प्रकार से। और इसको भी 1 से 6 पिच में काउंट करके फिर आगे वाली स्लॉट में डाल देंगे, यानी आगे से 1 स्लॉट खाली छोड़ देंगे, और फिर से हम कोयल को इंस्टॉल कर देंगे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर दूसरी वाली सिरे की भी कोयल डाल दी है, और इस पर भी हम रिप लगा लेते हैं। तो अब यहाँ पर आपके सामने 2 कोयले हमने डाल के कंप्लीट कर दिए। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब यहाँ से हमें क्रॉस देना स्टार्ट कर लेना है। तो यहाँ से फिर से हम तीसरा सेट लेंगे, और 1 स्लॉट खाली छोड़ के दूसरे में डालेंगे, और इसको भी 1 से 6 पिच में काउंट करेंगे, या बीच में से 1 स्लॉट खाली छोड़ के हम दूसरी कोयल भी इस प्रकार से डाल देंगे। तो हमने दूसरी कोयल भी डाल दी। अब हम यहाँ से क्रॉस देना स्टार्ट करते रहेंगे, जैसे जैसे हमारा स्लॉट खाली रहेगा उसी हिसाब से अब ये ऑटोमेटिक हमारी कोयले डलती रहेगी, क्योंकि हमारे पास ऑटोमेटिक स्लॉट बचते रहेंगे। तो इस प्रकार से हमने ये चौथी कोयल भी डाल दी। अब हम यहाँ से कंटिन्यू डालते रहेंगे। तो हम यहाँ से थोड़ा वीडियो को कट कर लेते हैं, और आपको डायरेक्ट लॉक पे ले चलते हैं। तो हम यहाँ से हमने कंप्लीट कर लिए डाल के। अब हमने यहाँ पर टोटल 16 कोयले डाल दिए। तो अब हम लॉक उठाएंगे। तो लॉक उठाने के लिए क्या करेंगे, हम जो हमने फर्स्ट में सेट डाले थे 2 सेट, उसकी पहले दूसरे वाले सेट को बाहर निकालेंगे, और फिर हम पहले वाले सेट को बाहर निकालेंगे। इस प्रकार से हमने ये लॉक उठा लेंगे, और इनको हम बाहर निकाल लेंगे, और फिर हमारे पास जो 2 कोयले बची हैं इनको हम वापस, टोटल 16 कोयले हमने डाली, अब हमारे पास 17वां और 18वां कोयल हमारे हैं, उसको भी हम इसी प्रकार से डाल लेंगे। तो इस प्रकार से हमने ये दूसरी वाली भी इस प्रकार से डालेंगे, और इस पर भी हम रिप लगा लेते। तो जिस तरह से हमने ये बाकी की कोयले डाली इसी प्रकार से डालेंगे,
और अब हम जिस स्लोर से निकाले उसी स्लोर में हम वापस कोयलों को इंस्टॉल कर देंगे जो हमने लोक पे उठाई थी। आप चाहो तो लोक नहीं उठाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी मोटर चलने में, लेकिन अगर लोक उठा लोगे तो फिर आपकी मोटर बिल्कुल गोल हो जाएगी और दिखने में अच्छा रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। तो जैसा हमने आपको वीडियो लाइक कैसे होती और चैनल को सब्सक्राइब कैसे करते अगर आपको नहीं आता है तो आप ऊपर पॉपअप दिख रहा होगा इसके हिसाब से आप वीडियो को लाइक करें और फिर नीचे रेड बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद में आपको जो पास का जो घंटी का निशान है उसको भी दबा लें ताकि जब भी हम नई वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आप ये सब कुछ जानते हो तो अच्छा है और कर दे जल्दी से। तो अब हम क्या करेंगे आगे की तरफ, इस प्रकार से हर एक सेट के बीच में लेदर का या आप एम्पायर क्लॉथ का कुछ भी हर एक स्लॉट के हर एक सेट के बीच में आपके ऐसे पेपर डाल लेना है ताकि आपको फिर शिफ्टिंग हो जाए। तो टोटल हमने यहाँ पर पेपर डाल लिए, अब हम इस पर टेपिंग कर लेते हैं। तो टेपिंग आप चाहो तो धागा भी यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर कॉटन भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर धागे से ही टेपिंग कर रहे हैं। तो फटाफट हम टेपिंग खींच लेते, और ध्यान रखें दोस्तों आपको जो नॉन कनेक्टेड साइड आपको टेपिंग करनी है वो आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है इसको, और इसी प्रकार से हम टेपिंग करके कंप्लीट कर लेंगे। फटाफट टेपिंग कर लेते हैं, तो हम वीडियो को यहाँ से थोड़ा पॉज कर लेते हैं, और एक्स्ट्रा धागे को हमने यहाँ पर काट लिया। अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों हम कनेक्शन करने से पहले आपको इसी प्रकार से इसमें हर एक सेट के बीच में आपको ऐसे लेदर का टुकड़ा डाल देना है, यानी सेपरेटर डाल देनी है। अब हम इसके कनेक्शन डायग्राम बना तो लेते दोस्तों हैं। आपको इसमें हम कनेक्शन प्रैक्टिकली करने से पहले आपको इसका कनेक्शन डायग्राम के बारे में कुछ बता देते हैं, यानी कि कनेक्शन डायग्राम समझा देते हैं जिससे आपको प्रैक्टिकली समझने में आसानी होगी। तो जैसा कि हमने यहाँ पर 18 सेट यहाँ पर जैसे हमने मोटर में डाला था यहाँ पर 18 सेट गोल आकृति में हमने बना दिया है, और अब क्या करेंगे हम जिस साइड से हमारा कनेक्शन बक्सा है यानी जिससे से हमारी लीडें बाहर निकलेगी उस साइड से हम क्या करेंगे 6 टॉप वाले छाट सकते हो और या फिर आप 6 बॉटम वाले छाट सकते हो, लेकिन कंटिन्यू छाटना आपको। जैसे हमने यहाँ पर बॉटम छाट लिए 6 कंटिन्यू, इसके बाद में क्या करेंगे ये 1 नंबर फेस लेंगे, 2 नंबर फेस और ये 3 नंबर फेस। तो 1 नंबर फेस को लेंगे यहां से टॉप से 1 से 4 में बॉटम के साथ कनेक्ट कर देंगे, 1 से 4 में 1 2 3 4 1 से 4 में बॉटम टॉप से टॉप कनेक्ट कर देंगे, और दूसरा इसको भी 1 से 4 में टॉप से टॉप कनेक्ट करेंगे, तीसरे को भी 1 से 4 में टॉप से टॉप कनेक्ट करेंगे। जब टॉप टॉप हम ले लेंगे तो हमारे पास बॉटम इस हमारे सेट के तीनों के बॉटम बन जाएंगे। तो इसको भी हम क्या करेंगे 1 से 4 में बॉटम के बॉटम साथ कनेक्ट कर देंगे, और इसको भी बॉटम से बॉटम कनेक्ट कर देंगे, और इसको भी हम बॉटम से बॉटम कनेक्ट कर देंगे, यानी बॉटम से कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास फिर से 3 टॉप बन जाएंगे। तो इनको फिर से हम टॉप से टॉप, टॉप से टॉप, टॉप से टॉप कनेक्ट करेंगे, और फिर से हमारे पास बॉटम बन जाएगा। तो इसको फिर से बॉटम से बॉटम, बॉटम से बॉटम, बॉटम से बॉटम कनेक्ट कर देंगे, और इसी प्रकार से फिर हमारे पास 6 टॉप बच जाएंगे। अगर आपके पास यहाँ पर 6 टॉप नहीं बचेंगे तो इसका मतलब आपने कनेक्शन में कहीं ना कहीं सीरीज बनाने में मिस्टेक करी है। तो हमारे पास ये 6 टॉप वाले छड़े बच गए, तो इसको हम फिर से 1 2 3 4 1 से 4 में टॉप से टॉप, टॉप से टॉप, टॉप से टॉप यहाँ पर कनेक्ट कर दिए, यानी हमने यहाँ पर तीनों फेस को एक साथ चला रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने ये कनेक्शन डायग्राम बना के कंप्लीट कर लिया है। तो अब आपको इसी प्रकार से हमने कनेक्शन करना है, तो अब चलिए मोटर में आपको प्रैक्टिकली हम एक एक सीरीज बना के बताते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको कनेक्शन डायग्राम समझ में आ चुका होगा। तो जैसा हमने कनेक्शन डायग्राम में 6 तार यानी 6 वायर हमने बॉटम बॉटम वाले छाटे थे, इसी प्रकार से हम कनेक्शन जिस साइड से हमारे निकलेगा बक्सा उस साइड से हम 6 वायर इस प्रकार से छाट लेंगे, कंटिन्यू 6 वायर छाट लेंगे, और इनको हम नीचे कर लेते हैं और इसमें हम ऐसे स्लीव डाल के 1 नंबर इनको तार का इंसुलेशन सील लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। तो दोस्तों आपको आई होप कनेक्शन डायग्राम समझ में आ चुका होगा, तो आपको ऊपर भी दिख रहा होगा कनेक्शन डायग्राम। तो इसी प्रकार से आपको प्रैक्टिकली इसमें हम आपको कनेक्शन करके बताएंगे यानी सीरीजें बना के बताएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, यहाँ पर जैसा हमने 6 तार बॉटम वाले छाटे थे तो हमने 6 तार यहाँ पर छाट लिए जैसे कनेक्शन डायग्राम में आपको बताया था, इसी प्रकार से हमने यहाँ पर भी छाट लिए। अब क्या करेंगे दोस्तों हम तीन जैसे हमने 6 टॉप लिए तो हम क्या करेंगे उल्टे हाथ की तरफ, ये हमारा उल्टा हाथ की तरफ है, उल्टे हाथ की तरफ से हम क्या करेंगे 3 टॉप वाले छाटेंगे, यानी 3 टॉप वाले लेंगे और इसको हम क्या करेंगे गिनेंगे 1 2 3, ये 1 नंबर ले लेंगे, 3 में से 1 ले लेंगे और इसको गिनेंगे 1 2 3 4, और इसको हम क्या करेंगे टॉप के साथ 1 से 4 में टॉप के साथ टॉप कनेक्ट कर देंगे।
और इसी प्रकार से दूसरा नंबर लेंगे, इसको भी गिनेंगे 1 2 3 4, और इसको भी हम टॉप के साथ कनेक्ट कर देंगे, यानी 1 से 4 में टॉप के साथ टॉप कनेक्ट हो जाएगा। और इसी प्रकार से इसको भी हम लेंगे तीसरे को भी, इसको भी गिनेंगे 1 2 3 4, और इसको भी हम 1 से 4 में टॉप के साथ टॉप कनेक्ट कर देंगे। जैसे टॉप के साथ टॉप कनेक्ट हो गया, अब बचा हमारे पास बॉटम बॉटम बॉटम, यानी फिर से हमारे पास 3 बॉटम बच जाएंगे, क्योंकि हम टॉप में कनेक्ट कर दिया तो बॉटम बच जाएंगे। इसी प्रकार से फिर से 1 से 4 में हम बॉटम से बॉटम कनेक्ट करेंगे। आप गिन भी सकते हो 1 2 3 4, अगर आपको कनेक्शन में दिक्कत आए तो आप एक एक सीरीज गिन गिन के बना सकते हो। जैसे हमने 1 से 4 में बॉटम से बॉटम लिया, और इसको भी 1 से 4 में 1 2 3 4, 1 से 4 में बॉटम के साथ बॉटम कनेक्ट कर देंगे। ये हमने कनेक्ट कर दिया, और इसको भी हम 1 से 4 में बॉटम के साथ बॉटम कनेक्ट कर देंगे। जैसे हमने 1 से 4 में बॉटम के साथ बॉटम कनेक्ट किया, अब हमारे पास वापस 3 टॉप बच गए, या 3 टॉप और बच गए। अब क्या करेंगे, इसको हम फिर से 1 से 4 में 1 2 3 4, 1 से 4 में टॉप के साथ कनेक्ट कर देंगे। इन सभी को टॉप के साथ टॉप कनेक्ट कर देंगे, और ये भी हम लेंगे, और इसको भी हम करेंगे टॉप के साथ कनेक्ट करेंगे। यानी 1 से 4 में आपको सीरीजें बनानी है टॉप टू टॉप बॉटम टू बॉटम, और इसको भी हम 1 से 4 में 1 2 3 4, 1 से 4 में टॉप के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये हमारे पास टॉप के साथ टॉप कनेक्ट होगी। अब इसी प्रकार से हम ये फिर से लेंगे, और इसको भी 1 2 3 4, 1 से 4 में बॉटम से बॉटम कनेक्ट कर देंगे। और ये फिर से लेंगे 1 2 3 4, 1 से 4 में बॉटम से बॉटम कनेक्ट कर देंगे। 1 2 3 4, 1 से 4 में बॉटम से बॉटम कनेक्ट कर देंगे। और ये फिर तीसरे वाली कॉइल लेंगे, इसको भी गिनेंगे 1 2 3 4, 1 से 4 में बॉटम से बॉटम कनेक्ट कर देंगे। वो ये ले लिए। अब हमारे पास टोटल आपके अगर यहाँ पर लिस्ट में अगर 6 टॉप वाले छड़े नहीं बचेंगे तो आपके कनेक्शन रॉन्ग है, इसका मतलब। तो हमारे पास 6 टॉप वाले छड़े बच गए, तो इसको भी हम 1 से 4 में टॉप के साथ टॉप कनेक्ट कर देंगे। और इसको भी हम 1 से 4 में टॉप के साथ टॉप कनेक्ट कर देंगे। अगर यहाँ आपके 6 टॉप वाले छड़े नहीं बचे होंगे तो इसका मतलब आपने कनेक्शन में कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पर टॉप के साथ टॉप कनेक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारी ये कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसमें स्टार बनाएंगे। तो स्टार बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 नंबर लेंगे, 2 को नीचे कर देंगे, और 3 नंबर ऊंचा लेंगे, और 4 को हम नीचे कर देंगे, और 5 नंबर ऊंचा लेंगे यानी ऊपर उठा लेंगे, और इसके बाद में 6 नंबर नीचे कर देंगे। यानी आप चाहो तो 1 3 5 को स्टार बना सकते हो, आप चाहो तो 2 4 6 को स्टार बना सकते हो, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये हमारे 2 4 6 को हम स्टार बना लेंगे। तो हम यहाँ पर 2 4 6 को इस प्रकार से शॉर्ट कर लेंगे। तो इसमें हम पहले सीरीज स्लीवे डाल के फिर इसको शॉर्ट करेंगे। तो हमने ये छील लिया, और इसमें स्लीव डाल के हमने ये स्टार बना दिया है। तो इस प्रकार से हमने ये स्टार बना के कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ से हम काट भी लेते हैं इसको, और थोड़ा प्लास की सहायता से एटी लगा लेते हैं ताकि हमारा कनेक्शन लूज ना रहा रहे। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारे पास टोटल हमारे पास 3 वायर बचे ये वाले, और इसमें हम क्या करेंगे, फ्लेक्सिबल वायर लगा के इनको इन बक्से में से बाहर निकाल लेंगे, और ये हमारे L1, L2, L3 लाइन देने के लिए काम आएंगे। तो अब इसमें हम फ्लेक्सिबल वायर निकाल के बाहर निकाल लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। तो हम अब इनको हमने काट लिए, और अब हम इसको जो ऊपर हमने स्लीव चढ़ाई थी इसको हम ऊपर चढ़ा लेते हैं सभी पर। और अब हम इन स्लीव को जो हमारे सीरीजें बनी इनको अच्छी तरह से यहाँ पर वाइंडिंग पर सेट कर लेते हैं, ताकि हमारी जब हम टेपिंग करेंगे तो हमारी टेपिंग सुंदर दिखेगी, और हमारी जो फ्लेक्सिबल वायर है वो भी अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे। तो हमने ये पर स्लीव डाल के छील लिया है, और अब इस प्रकार से हम 1.5 mm का वायर लेंगे, और इस पर हम जॉइंट मार लेते हैं अच्छी तरह से। जॉइंट मार लेंगे, आप चाहो तो इसको सोल्डिंग भी कर सकते हो, लेकिन हम बिना सोल्डिंग के चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कॉपर से कॉपर हमने मिला लिया है तो हमारा जॉइंट गर्म नहीं होगा। तो हमने ये जॉइंट बना लिया है, तो इसी प्रकार से सभी में हम कनेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार से हम ये पर 3 नंबर सिलीव लेंगे, और इसको हम इस प्रकार से चढ़ा लेंगे, जो हमारे फ्लेक्सिबल वायर हमने जो निकाले इन पर हम इस प्रकार से ये सिलीव चढ़ा लेंगे, ताकि हमारा वाइंडिंग ये वायर कटे ना। तो इस पर हम सभी पर तीनों पर ऐसे सिलीव चढ़ा लेंगे। जिस तरह हमने पीछे की तरफ टेपिंग करी थी, इसी प्रकार से हमने इधर भी टेपिंग करके कंप्लीट कर लिए, और अब हम इसको गेट मार लेते हैं, और एक्स्ट्रा धागे को हम काट लेते हैं। अब हमने जो रिपे डाली थी वो इन रिपो को हम नीचे पत्ती की सहायता से बिठा लेंगे, ताकि हमारे ये रोड में ऊपर न आए और रोड पर टकराए ना।
अब इस मोटर को हम चेक कर लेते हैं, इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, इसका अर्थ वगैरह चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको कंटिन्यूटी पे लगा लेते हैं मीटर को। तो ये देख रहे हो दोस्तों, इसमें आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है। तो अब इसको हम यहाँ रख लेते हैं आपके सामने और इसको हम चेक कर लेते हैं। तो आप देखना इसमें डिस्प्ले में कुछ शो होगा, तो डिस्प्ले में शो हो रहा है 13.3 और दूसरे फेस में भी हमारे 13.3 और तीसरे फेस में भी हमारे 13.4 का एक का फ़र्क है। कोई ज़्यादा विशेष फर्क नहीं, इसका मतलब हमारा इन्वर्टर बिल्कुल कंटिन्यूटी में बिल्कुल टेस्ट पास है। और अब इसका अर्थ चेक कर लेते हैं, पहले हम बॉडी से अर्थ चेक कर लेते हैं एक बार। तो बॉडी से अर्थ निकाल रही है, अब इसका तार पे लगा के देख लेते हैं। तो इसमें हमारी अर्थ नहीं बोल रही है, तो इसका मतलब हमारी मोटर अब कंप्लीट है, अब इसको हम वार्निश देने के लिए तैयार है। तो इसमें हम वार्निश कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पर कैनवार का वार्निश कर रहे हैं इसमें, तो अच्छी तरह से इसको वार्निश कर लेते हैं ताकि हमारी वाइंडिंग अच्छी तरह से टाइट हो जाए और हमारी मोटर जल्दी ना जले और इसका इंसुलेशन भी वीक नहीं होगा। तो अच्छी तरह से इसमें वार्निश पिला लेते हैं और लगभग एक घंटे बाद में हम उस साइड से भी पलटी करके इसको वार्निश कर लेंगे। लेकिन आपको इस वीडियो में सिर्फ हम इसका इधर की साइड वार्निश बता रहे हैं, फिर हम इसको उधर से बाद में पलटी करके वार्निश करेंगे। तो इस प्रकार से हम ये इस मोटर को कंप्लीट कर लिया, आपके सामने इसको रिवाइंड करके बताया, इसको वार्निश भी करके बताया। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक ज़रूर कर देना और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और पास के बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, जिससे हम और भी जब नई वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय दोस्तों।